आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की इन 2023 की, मतलब दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों में 2023 में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर देश है उन 10 देशों की, और जानेंगे कौन सी कंट्री किस पोजीशन किस रैंक पर है इस टॉप 10 की लिस्ट में। इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो वॉच टिल द एंड, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया के करीब 145 देशों की सूची लिस्ट तैयार करता है एनुअली। इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए दुनिया की आर्मी और नेवी, न्यू वेपन्स, मिलिट्री बजट सब कुछ देखकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, रिसर्च बेस्ड होती है, और ये सब कुछ देखकर ये सारी इंडेक्स तैयार की जाती है। 2005 से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दुनिया के तकरीबन 145 देशों की लिस्ट तैयार करता है, वो 60 फैक्टर्स किसी भी देश के देखकर तैयार करता है, बनाता है, और इन 60 फैक्टर्स में भी 8 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें किसी कंट्री की जियोग्राफी, मैन पावर, एयर डिफेंस, नेवल पावर, लैंड पावर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ने शुरुआत में 25 देशों के ऊपर रिसर्च करके ये लिस्ट जारी की थी, और अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 145 देशों की सूची जारी करता है एनुअली कि कौन सी मिलिट्री, कौन सा देश कितना स्ट्रॉन्ग है। हर साल किसी भी देश में हुए चेंजेस, फैक्टर्स, डायनेमिक्स ऑफ पावर्स को देखते हुए, और अब नेचुरल रिसोर्सेस और शेयर्ड बॉर्डर्स को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाता है, और सारी रिसर्च करने के बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इन सबको एक स्कोर प्रोवाइड करता है, और ये स्कोर 0.0000 होते हैं। वैसे ये स्कोर कोई भी कंट्री टच भी नहीं कर सकती, जितने भी छोटी स्मॉल फायर पावर इंडेक्स की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा कोई भी कंट्री मोस्ट पावरफुल मानी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। Now, here is the list of top 10 most powerful, strongest country in the world 2023. Top 10 most powerful country in the world की rank पर number 10 पे है Italy. Italy की total population लगभग 6 करोड़ के आसपास है। Available manpower की बात करें तो 3 करोड़ के आसपास इनकी manpower है। Fit to service 22 मिलियन के करीब है। एक्टिव पर्सोनल की संख्या 170,000 है। रिजर्व सोल्जर्स की संख्या 20,000 है। पैरामिलिट्री की बात करें तो इटली के पास 100,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। एयरफोर्स पर्सोनल की बात करें तो 45,000 इटली के पास एयरफोर्स पर्सोनल है। आर्मी पर्सोनल की बात करें तो 100,000 की इनकी आर्मी है। एंड नेवी पर्सोनल की बात करें तो इटली के पास 31,000 नेवी पर्सोनल है। नेवल डिफेंस की अगर बात करें तो 313 इटली के पास नेवल एसेट्स हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इटली के पास है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर कैरियर इनके पास 0 है। डिस्ट्रॉयर्स की संख्या 4 है। फ्रिगेट्स 13, कॉर्वेट्स 0, सबमरीन्स की बात करें तो 8 सबमरीन्स इनके पास है। पेट्रोलिंग वेसल्स 18 है, और वॉरफेयर 10 है। और अगर एयर डिफेंस की बात करें इटली की, तो इटली के पास टोटल 850 एयरक्राफ्ट हैं, और उनमें से रेडी टू यूज हैं 638। टैंक की बात करें तो 197 इन स्टॉक इनके पास टैंक्स हैं, और रेडी 148 है। व्हीकल्स इनके पास स्टॉक में है 68,508। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी इनके पास 68 है, और रेडी टू यूज 51 है। टॉर्ड आर्टिलरी स्टॉक में 108 है, और MLRS रॉकेट आर्टिलरी इनके पास स्टॉक में 21 है, और रेडी 21 है। फाइटर जेट्स स्टॉक में 92 और रेडी 69 है। अटैक फाइटर जेट्स स्टॉक में 84 है, रेडी 63 है। ट्रांसपोर्ट्स के लिए स्टॉक में 32 व्हीकल्स हैं एंड रेडी 24 है। टैंकर फ्लीट स्टॉक में 6 है, रेडी 625 है। हेलीकॉप्टर्स स्टॉक में 404 है, और रेडी 303 है। और अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 58 इनके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और रेडी 44 है। टॉप 10 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में टॉप 9 रैंक पर है फ्रांस। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फ्रांस का स्कोर है 0.1848। फ्रांस का स्कोर है। और अगर फ्रांस के मेन पावर की बात करें तो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन 7 करोड़ की है। अवेलेबल मैन पावर 3 करोड़ के आसपास है। फिट टू सर्विस मैन पावर फ्रांस के पास है 23 मिलियन, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास।
एक्टिव पर सोने की बात करें तो फ्रांस के पास 2 लाख है, रिजर्व पर सोने 35,000, पैरामिलिट्री की बात करें तो फ्रांस के पास 1,75,000 पैरामिलिट्री के पर्सोनल है, एयर फोर्स पर्सोनल की बात करें तो 40,500 है, आर्मी पर्सोनल फ्रांस के पास 1,42,000 है, नेवी पर्सोनल 44,000 और एयर डिफेंस की बात करें तो फ्रांस के पास टोटल स्टॉक में 1,004 एयरक्राफ्ट है और रेडी टू यूज 753 है। फाइटर जेट्स की बात करें तो फ्रांस के पास स्टॉक में 226 फाइटर जेट्स है, रेडी टू कॉम्बेट 170 है, अटैक टाइप्स 0, रेडी 0, ट्रांसपोर्ट स्टॉक में 114 है और रेडी 86 है। फ्रांस के टैंकर फ्लीट की बात करें तो स्टॉक में 19 है, रेडी 14 है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो 438 फ्रांस के पास हेलीकॉप्टर्स हैं और रेडी टू यूज 329 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो फ्रांस के पास 69 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और रेडी 52 है। फ्रांस के पास टोटल टैंक्स की संख्या 222 है और रेडी टू यूज 178 है। व्हीकल्स की अगर बात करें तो 72,676 इनके पास व्हीकल्स हैं और रेडी टू यूज 58,000 के आसपास है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी फ्रांस के पास स्टॉक में 90 है और रेडी टू यूज 72 है। टोड आर्टिलरी स्टॉक में 12 और रेडी 10 है। MLRS रॉकेट आर्टिलरी स्टॉक में 13 है और रेडी 10 है। फ्रांस की एयर फोर्सेस की टोटल एसेट्स 126 है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स 1 है, हेलीकॉप्टर कैरियर 3, डिस्ट्रॉयर्स 10 और फ्रिगेट फ्रांस के पास 11 है, कॉर्वेट्स 0 है, सबमरीन्स 9 और पेट्रोलिंग वेसल्स 15 है, माइन वॉरफेयर 17 है। फ्रांस के अगर डिफेंस बजट की बात करें तो 45 बिलियन $45 फ्रांस का डिफेंस बजट है। टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड की रैंक पर 8th रैंक पर है जापान। जापान का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1711। मैन पावर की अगर बात करें तो जापान की पूरी आबादी 12.5 करोड़ की है, अवेलेबल मैन पावर तकरीबन 5 करोड़ के आसपास है एंड फिट फॉर सर्विस 4.5 करोड़ है। एक्टिव पर्सोनल 2,40,000 है और रिजर्व पर्सोनल 55,000 है। पैरामिलिट्री की बात में जापान की तो 14,000 के आसपास है, एयरफोर्स पर्सोनल 50,000 है, आर्मी पर्सोनल 1,50,000 है। जापान की एयरफोर्स की बात करें तो जापान के पास टोटल स्टॉक में 1,451 और रेडी टू यूज 1,161 है। फाइटर्स एयरक्राफ्ट स्टॉक के पास 217 है और रेडी 174 है। अटैक टाइप फाइटर एयरक्राफ्ट जापान के पास 27 है और रेडी 22 है। ट्रांसपोर्ट स्टॉक में 58 है और रेडी 46 है। टैंकर फ्लीट स्टॉक में जापान के पास 8 है, रेडी 6 है और हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 556 है और रेडी 453 है। और अगर जापान के अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो जापान के पास 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और रेडी टू यूज 95 है। नाउ जापान लैंड फोर्सेस, जापान की लैंड फोर्सेस की बात करें तो जापान के पास स्टॉक में 1,004 टैंक्स हैं और रेडी टू यूज 803 है। व्हीकल की बात करें तो 1,11,180 व्हीकल्स हैं और रेडी 88,944 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी स्टॉक में जापान के पास 238 है और रेडी 190 है। टॉड आर्टिलरी स्टॉक में जापान के पास 480 है और रेडी 384 है। MLRS रॉकेट आर्टिलरी स्टॉक में जापान के पास 99 है और रेडी 79 है। नेवल फोर्सेस की बात करें तो जापान की नेवल फोर्सेस का टोटल एसेट 155 है, एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास 0 है, हेलीकॉप्टर कैरियर 4 हैं, डिस्ट्रॉयर्स 36 हैं, फ्रिगेट्स जापान के पास 4 हैं, कॉर्वेट्स जापान के पास 6 हैं। जापान के सबमरीन की संख्या 21 है, पेट्रोलिंग वेसल 6 हैं और जापान का डिफेंस बजट अकॉर्डिंग टू जापान न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी $39 बिलियन है।